पश्चिमी देशों से उठकर कुछ भी आ जाए, हम उसकी बिना सोचे समझे नकल कर लेते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जो टू व्हीलर्स हैं, जैसे बाइक है, स्कूटी है, इनकी लाइट हमेशा ऑन होती है और इसमें ऑफ का बटन नहीं होता, मतलब आप इसे बंद नहीं कर सकते। ये कहाँ से आया है? ये उन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज से आया है, क्योंकि वहां पर साल के 10-10 महीने सूरज नहीं निकलता, बर्फ से ढके रहते हैं और धुंध रहती है, तो वहां पर एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उन्होंने अपने व्हीकल्स में इस बटन को ही खत्म कर दिया, हटा दिया कि लोग जो है लाइट अपनी व्हीकल्स की बंद करें और वो हमेशा ऑन रहे, ताकि जब वो सड़क पर चले तो व्हीकल्स आपस में टकराए ना, एक्सीडेंट ना हो, वो दिखते रहें। अब ये यहां पर भी अप्लाई कर दिया गया बिना कुछ सोचे समझे। ये कितनी छोटी बात है कि हमारे यहाँ लगभग 11.5 महीने, 12 महीने में से 11.5 महीने तो धूप निकलती ही है, 15-20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना कई बार ये होता है कि धुंध आ जाए। अब ये कितनी छोटी बात है और कितनी बड़ी पॉलिसी बना दिया और यों का यों उसको नकल कर दिया। ठीक उसी तरीके से आज पॉलिसीज जो है नकल की जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी देशों से जब पानी के जहाज आते हैं कोई भी सामान लेकर या कोई भी ट्रेड करने या किसी भी चीज के लिए, तो उन्हें रुकने के लिए एक जगह की जरूरत होती है और वो जगह थी सिंगापुर ने। सिंगापुर के पास आज ना तो किसी तरीके का कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, ना कोई ऐसी पॉलिसी है, लेकिन आज सिंगापुर एशिया ही नहीं दुनिया के बहुत अमीर देशों में से आता है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने खाली पड़े समुन्द्र के पोर्ट्स को, मतलब समुन्द्र के पास जो जगह होती है, बीचेस कह लीजिए, जब किनारा होता है वो, उसको डेवलप कर दिया, वहां 5-स्टार फैसिलिटीज दे दी और उन्हें पोर्ट के माध्यम से डेवलप करके लोगों को, देशों को रुकने के लिए जगह दे दी। अब पश्चिमी देशों से आने वाले पानी के जहाज वहां पर रुके और सिंगापुर की रेवेन्यू बढ़ने लग गई। इसके साथ साथ सिंगापुर ने फिर अपना टूरिज्म बढ़ाया और आज सिंगापुर क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटेजिकली चाइना ने भी यही किया। चाइना ने 99 साल की लीज के लिए हरबन टोटा श्रीलंका का एक पोर्ट ले लिया और इस पोर्ट को डेवलप किया, ताकि जो शिप जो है, पानी के जहाज जो पश्चिमी देशों से आ रहे हैं, वो सिंगापुर नहीं और इस पोर्ट पर रुके और चाइना की रेवेन्यू बढ़े। दूसरी तरफ उसने जो है भारत पर नजर रखने के लिए भी इस पोर्ट का इस्तेमाल किया। अब नकल तो नकल है और नकल में हमारे देश के नेता अकल नहीं लड़ाते। हुआ भी यही हुआ, ये कि अब निकोबार को डेवलप किया जाएगा सिंगापुर की तरह। इन सभी को देखकर 2021 में होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। इस प्रोजेक्ट के तहत निकोबार के जो जंगल है उन्हें काट कर एक एयरपोर्ट बना जाएगा, पोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे और वहां पर एक नए सिंगापुर की शुरुआत की जाएगी, एक नए सिंगापुर को खड़ा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अच्छी बातें ये हैं कि ये 75,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की अच्छी बातें ये भी हैं कि दुनिया भर के शिप जो सिंगापुर आकर रेवेन्यू सिंगापुर को देते थे, यहां पर रुका करेंगे, वो चाइना के हबन टोटा पोर्ट पर नहीं, स्ट्रेटेजिकली इस निकोबार आइलैंड के पोर्ट्स पर रुकेंगे, भारत का रेवेन्यू बढ़ेगा। जो होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अच्छी बात है वो ये है कि इसमें 1 लाख नौकरियां डेवलप होंगी और 1.5 लाख तक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी लोगों की। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है जो आपको जानने को है, क्योंकि ये सभी बातें तो मेरे अलावा सरकार ने या अलग अलग मीडिया न्यूज चैनल ने बता दी होंगी कि मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन जो आपको बातें नहीं बताई गई, या मैं कहूं जो आपसे बातें छुपाई गई, वो ये कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। मैंने आपसे बात की थी कि प्रधानमंत्री मोदी का जो चार धाम महामार्ग परियोजना है उसमें किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, इस मास्टर स्ट्रोक के नाम पर कितना बड़ा विनाश हमने किया है। यही नहीं, इसके आने वाले परिणाम हमें भुगतने होंगे। जो आप साइड में लिंक देख रहे हैं, इस वीडियो का लिंक आपको पिन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ये विकास नहीं, विनाश हुआ है चार धाम महामार्ग के नाम पर। किस तरीके से पर्यावरण की धज्जियां उड़ा दी गई, किस तरीके से नियमों का उल्लंघन किया गया, आपको डिटेल में मिल जाएगा।
अब बात कर लेते हैं निकोबार आइलैंड के होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। 140 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को इसमें लिया गया है, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंडर डेवलप किया जाएगा, जिसमें 120 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल काटे जाएंगे। यही नहीं, लगभग 8.5 से 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, फ्लोरा फोना बायोडायवर्सिटी वाटर लाइफ जो निकोबार आइलैंड के आसपास है वो सारी खत्म हो जाएगी। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। जब सिंगापुर ने अपने पोर्ट्स को डेवलप किया तो उनके पास ऐसी कोई बायोडायवर्सिटी नहीं थी, ऐसी कोई फॉरेस्ट की बायोडायवर्सिटी नहीं थी, वो पेड़ पौधे नहीं थे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। आज निकोबार आइलैंड पर सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, और भी बहुत चीजें हैं। यहाँ पर ऐसी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो न जाने किस बीमारी का इलाज लेकर आ सकती हैं अगर उन पर काम किया जाए तो। लेकिन नहीं, हमें बिना अकल के नकल करनी है। जब श्रीलंका पर हरमनटोटा जो पोर्ट है वो डेवलप किया श्रीलंका ने, तो वहां पर भी ऐसी कोई बायोडायवर्सिटी नहीं थी, ऐसा कोई फ्लोरा फोना नहीं था जिससे दुनिया को इतना बड़ा नुकसान हो जाए जो हम कर रहे हैं। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ निकोबार आइलैंड के इन एरियाज में शॉम्पेन एंड निकोबारी ट्राइबल्स रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, जिनकी जमीन है ये सही मायने में, जो इसके मालिक हैं, और उन्हें भी विस्थापित कर दिया जाएगा। पेपर पर है कि विस्थापित किया जाएगा, लेकिन जंगल कटेंगे तो वो अपने आप चले जाएंगे और पेपर में उसका पैसा खा लिया जाएगा। यही नहीं, सरकार ने ये भी कहा है प्रोजेक्ट में कि जो 8.5 से 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जो 120 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया साफ कर दिया जाएगा और वहां बड़ी बड़ी इमारतें होंगी सीमेंट की, कंक्रीट की, उसकी बजाय मध्य प्रदेश में 250 स्क्वायर किलोमीटर में पेड़ लगाए जाएंगे। मतलब आप उजाड़ दिल्ली को रहे हो और बसा बंबई को रहे हो। मजाक कितना बड़ा चल रहा है, मास्टर स्ट्रोक कितने बड़े चल रहे हैं, आपको अंदाजा लग गया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी इस फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी को दोबारा से नहीं ला पाएंगे जो वहां पर करोड़ों सालों से है। और ये होगा, ये बर्बादी का जो परिणाम है वो हमें और आपको भुगतने पड़ेंगे। सरकार विकास के नाम पर विनाश कर रही है, स्ट्रेटेजिकली कह रही है कि हम एक नया सिंगापुर बनाने जा रहे हैं, ये हमें पैसा देगा, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर जो अभी है अगर हम उसके रहते रहते कुछ डेवलप कर ले तो वो हमें ज्यादा पैसा दे सकता है। आज हम टूरिज्म को डेवलप कर चुके हैं और लोग मॉरिशियस सिंगापुर जाने की बजाय अंडमान निकोबार जाना पसंद कर रहे हैं, बाली जाने की बजाय अंडमान निकोबार जाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ बिना अकल के नकल करना जानते हैं, जिसके परिणाम हमें भुगतने ही पड़ेंगे। 89X ऑफिशियल्स ने, मतलब रिटायर्ड ऑफिसर्स ने पहले ही इस होलिस्टिक डेवलपमेंट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के लिए लिख कर दिया है कि आप इसको खत्म मत कीजिए, अगर ऐसा हुआ तो भारत ही नहीं दुनिया को एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर आपने ये किया तो टूरिज्म के नाम पर या फिर जीडीपी को बढ़ाने के नाम पर या सिंगापुर बनाने के नाम पर आप इतना बड़ा नुकसान कर देंगे कि जिसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाए। आप भी अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप भी सरकार को लिख सकते हैं, आप भी बॉयकॉट, आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ समर्थन मत कीजिए, सिर्फ इसलिए कि वो राजनीतिक पार्टी या वो नेता की सरकार है जिसे मैं चाहता हूं। अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध कीजिए, और अगर सही हो रहा है तो उसका समर्थन कीजिए, क्योंकि सही का समर्थन और गलत का विरोध करना ही हमें जानवरों से अलग बनाता है और हमें सही मायने में अंधभक्त या चमचे की कैटेगरी से अलग करेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो चीज जो सही मायने में भारत जिसके लिए जाना जाता है अगर वो खत्म ना हो, तो हमें इस तरीके के प्रोजेक्ट की विकल्प ढूंढने होंगे, ताकि स्ट्रेटेजिकली भी हम मॉडर्न इंडिया जो विकास के नाम पर जो सब हो रहा है उसमें भी ना पिछड़े, और जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, और जो हमारी एक छवि है उसको भी साथ लेकर चले। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय।